हाई एवरी वन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO6 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। और जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली करेंसी रिस्क से रिलेटेड। जानेंगे कि करेंसी रिस्क क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन का इस वीडियो में वो होगा करेंसी रिस्क के बारे में। और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के करेंसी रिस्क होते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए। एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 7। दिस इज़ द पार्ट 1, यूनिट 7, जिसका नाम है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। एंड हमारा जो मिशन है, याद रखिएगा, विच इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अपने स्कोर बूस्ट कर सकते हैं उन वीडियोज़ को देखकर, ठीक है। तो मेरा एम है कि आपको जो भी टॉपिक इस वीडियो में दिया जाए वो इजी तरीके से प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको याद करने में कोई इशू ना हो। और एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आता है तो आप अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हो चुका है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्ज़ाम में, लाइक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेंसी रिस्क एंड ऑल्सो स्टेट द टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क। तो जो टाइप्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम उनके नाम जानेंगे और आगे जो फर्दर वीडियोस लेकर आऊँगा उनमें उनको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं आपको। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट फर्दर अरो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट ले पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे करेंसी रिस्क के बारे में, ठीक है। तो करेंसी रिस्क क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट। एंड एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करेंसी रिस्क के बारे में। तो करेंसी रिस्क बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू द लॉसेस दैट एन इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रांजेक्शन में इनकर ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। तो गाइस, करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से, ध्यान दीजिएगा, करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जब भी कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसमें अगर आपका लॉस इनकर होता है, ठीक है, अगर आपको ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि आपके उस ट्रांजैक्शन से लॉस इनकर होगा, तो वो बेसिकली आपका क्या होगा, करेंसी रिस्क कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि कैसा होगा, इंटरनेशनल होगा लेवल का, जहाँ पर आपकी अलग अलग तरह की करेंसीज इंक्लूडेड होंगी, ठीक है, और ऐसे ट्रांजैक्शन में करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी आपके लॉसेस होंगे या पॉसिबल होंगे वो सारे कहलाएंगे करेंसी रिस्क। ओके, तो करेंसी रिस्क रेफर टू द लॉसेस दैट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इनकर ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। याद कर लीजिए, करेंसी रिस्क रेफर टू द लॉसेस दैट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इनकर ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। तो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जब भी लॉस इनकर होगा वो कहलाएगा करेंसी रिस्क। नाउ करेंसी रिस्क को हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के नाम से भी जानते हैं एंड एक्सचेंज रेट रिस्क के नाम से भी और एफएक्स रिस्क यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ध्यान दीजिए, करेंसी रिस्क इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क और एफएक्स रिस्क। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज, करेंसी रिस्क डिस्क्राइब्स द पॉसिबिलिटीज दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू may decrease due to changes in the relative value of the involved currency. तो करेंसी रिस्क के थ्रू क्या आपका पता चलता है, आपको बेसिकली ये पता चलता है कि जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उसमें आपकी जो करेंसीज इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से आपके उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली करेंसी रिस्क उसी को आपका डिस्क्राइब करेगा। तो करेंसी रिस्क डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटीज दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू मे डिक्रीज और इंक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द इन्वॉल्व करेंसी। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी, जब भी करेंसीज में फ्लक्चुएशन आएगा या तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी वजह से या घट जाएगी, घटने पर लॉस है और लॉस कोई भी बिजनेस बियर नहीं करेगा, गेन होता है, दैट इज गुड, बट अगेन गेन के साथ लॉस की हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी, विच एवरी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू क्या डिनाई और वॉन्ट्स टू रिड्यूस बेसिकली। तो आपको ध्यान रखना है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट
रिस्क बोल लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बोल लीजिए, या एफएक्स रिस्क बोल लीजिए, या करेंसी रिस्क बोल लीजिए, वन एंड द सेम थिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट करेंसी रिस्क. तो करेंसी रिस्क का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम और फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट. तो इस डायग्राम का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं फर्दर पॉइंट्स. सो फर्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है. लेट्स रीड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन इन रियलिटी फाइंड्स दैट एट द टाइम ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट इन क्रॉस बॉर्डर डील सच एज इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, बोरोइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, द एक्सचेंज रेट्स आर नॉट नेसेसरली एज प्रिडिक्टेड डिस्पाइट द यूज ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर फोरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट. तो कोई भी कितना भी अच्छे से फोरकास्ट कर ले आने वाले एक्सचेंज रेट के चेंजेस, लेकिन जब भी आपके यू नो पेमेंट या रिसिप्ट इंक्लूडेड होते हैं किसी भी क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, चाहे वो इंपोर्ट से रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, बोरिंग्स हो, किसी भी तरह की इंटरनेशनल लेवल की लैंडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की पेमेंट और रिसिप्ट जो होती है उसमें भी फ्लक्चुएशन आ जाती है. चाहे आप कितना भी अच्छे से प्रिडिक्ट कर लीजिए, लेकिन आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्सचेंज रेट में क्या चेंजेस आएंगे. तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिजनेसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रियलिटी में. नाउ बिजनेसेस देयरफॉर ऑलवेज हैव एन अनसर्टेनिटी अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस टू द क्वांटम ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन अ गिवन पीरियड. तो इस वजह से वो सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इंक्लूडेड होती हैं, जहां पर उन्हें करेंसी रिस्क का यू नो डर होता है, तो हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है उनको कि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है वो उनके बेसिकली कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी को बेसिकली इम्पैक्ट करेगा. देखिए गाइस, करेंसी रिस्क या फिर अगर मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब फ्लक्चुएशन होगी, तो जितना पैसा आपको आ रहा होगा दूसरी करेंसी में, जब आप उसको चेंज कराएंगे अपनी पर्टिकुलर करेंसी में, तो उससे आपका जो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है वो इम्पैक्ट होगा. तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि बिजनेसेस को इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम होती है अनसर्टेनिटी की वजह से कि आने वाले पीरियड में उनको कितना कैश इनफ्लो होगा या फिर कितना आउटफ्लो होगा. इस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, यू नो हमेशा फियर में रहती हैं. Now this uncertainty arising from the exchange rate fluctuation is called the currency risk. तो businesses या फिर organizations को जो ये uncertainty होती है exchange rate fluctuation की वजह से, इस uncertainty को हम बोलते हैं currency risk. I repeat, जो भी uncertainty businesses को या फिर organizations को arise होती है exchange rate fluctuations की वजह से in the cross-border deals or transaction, वो कहलाती है currency risk. Okay? तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे. आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ गाइज, अभी तक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी रिस्क. अब एग्जैक्ट मीनिंग पर जाते हैं करेंसी रिस्क के. तो करेंसी रिस्क क्या है, एक फाइनेंशियल रिस्क दैट अराइजेस व्हेन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंपनी. तो करेंसी रिस्क क्या होता है, बेसिकली एक फाइनेंशियल रिस्क जो कि कब अराइज होगा, जब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका होगा, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप बोल लीजिए, और वो ट्रांजैक्शन बेसिकली डिनोमिनेटेड होगा किस में, दूसरी करेंसी में यानी किसी फॉरेन करेंसी में कंपनी की. तो ऐसे रिस्क, ऐसे फाइनेंशियल रिस्क कहलाएंगे आपके करेंसी रिस्क. तो याद कर लीजिए इस पॉइंट को, करेंसी रिस्क क्या है, ए फाइनेंशियल रिस्क दैट अराइजेस व्हेन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंपनी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन. इट सेज करेंसी रिस्क अराइजेस व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ एन अनफेवरेबल चेंज इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द डोमेस्टिक करेंसी एंड द डिनोमिनेटेड करेंसी बिफोर द डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. तो आपका जो ट्रांजैक्शन है उसकी कंप्लीशन डेट से पहले अगर कोई भी एक्सचेंज रेट में अनफेवरेबल चेंज आता है, ठीक है, यानी कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है और जो आपकी यू नो डिनोमिनेटेड करेंसी, डिनोमिनेटेड मतलब बेसिकली वो करेंसी जिसमें आपको यू नो पे किया जाएगा, आपकी कंपनी को पे किया जाएगा,
तो अगर एक्सचेंज रेट पे कोई भी अनफेवरेबल चेंज आता है तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क कब अराइज होते हैं, जब भी कोई अनफेवरेबल चेंज होता है एक्सचेंज रेट में, और ये बेसिकली क्या है, डोमेस्टिक करेंसी और डिनोमिनेटेड करेंसी के बीच में होगा और ट्रांजेक्शन कंप्लीशन की डेट से पहले होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं गाइज, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है कनाडा। बेसिकली मान लीजिए कि इफ यू आर अ यूएस इन्वेस्टर एंड यू हैव स्टॉक्स इन कनाडा, ठीक है, आप एक यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, आप एक यूएस के इन्वेस्टर हैं और आपने कनाडा के स्टॉक खरीदे हैं, और जो रिटर्न है जो आप रियलाइज करेंगे वो आपके क्या है, एक्सचेंज रेट के प्राइस से इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कैनेडियन डॉलर है अगर उसमें इम्पैक्ट आता है तो आपका जो पेमेंट होगा यूएस डॉलर में वो भी इम्पैक्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप रियलाइज करते हैं 15% रिटर्न इन योर कैनेडियन स्टॉक, बट द कैनेडियन डॉलर डेप्रिशिएट 15% अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो आपका कोई भी गेन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जितना भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है अपने इन्वेस्टमेंट पर, अगर उतना ही आपका डेप्रिसिएशन आ जाए आपकी पर्टिकुलर करेंसी पर, तो आपका जीरो हो जाएगा बेनिफिट। यानी 15% आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर गेन करा, फाइनल पेमेंट के टाइम पर यूएस डॉलर में आपका 15% डेप्रिसिएशन हो गया आपकी करेंसी पर, एट द एंड में आपको क्या मिला, जीरो, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, नो गेन। तो ध्यान दीजिएगा, करेंसी रिस्क की वजह से जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे, और अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में है तो उस केस में अगर वो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेप्रिशिएट यानी कि उसकी जो एक्सचेंज रेट है उसमें आपका फ्लक्चुएशन आएगा, वो भी नेगेटिव फ्लक्चुएशन आएगा, तो उस केस में आपके बेनिफिट जीरो हो सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, डरते हैं जब भी आपके फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी कंट्री, जब भी वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इंक्लूडेड होंगे और डोमेस्टिक करेंसी की जगह फॉरेन करेंसी में डील करेंगे। सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑन द स्क्रीन, इट सेज इन अदर वर्ड्स, करेंसी रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट करेंसी डेप्रिसिएशन विल नेगेटिवली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ वंस एसेट इन्वेस्टमेंट्स एंड देयर रिलेटेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट स्ट्रीम्स, स्पेशली दो सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। तो करेंसी रिस्क बेसिकली क्या है, आप एक और इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो करेंसी डेप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी जिसके थ्रू आपके एसेट्स या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगी, इसके अलावा जो भी आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं या फिर डिविडेंड पेमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे, तो वो बेसिकली क्या है, करेंसी रिस्क कहलाएंगे। तो करेंसी रिस्क क्या है, बेसिकली करेंसी डेप्रिसिएशन की वो पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से आपके एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, उनकी रिलेटेड इंटरेस्ट, उनका डिविडेंड पेमेंट इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, ठीक है। और यहाँ पर ये इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है या जो भी पेमेंट आपको मिलने वाला है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा, यानी कि जो आपकी सिक्योरिटीज हैं या जो पेमेंट है या फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो फॉरेन करेंसी में है, तो पेमेंट भी आपको फॉरेन करेंसी में होगा उनका, और फॉरेन करेंसी में आपका जो करेंसी डेप्रिसिएशन आने की वजह से उनकी वैल्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सारा खेल किसका होगा, एक्सचेंज रेट का होगा, और ध्यान रखना है आपको कि जो ट्रांजैक्शन है वो फॉरेन करेंसी में होगा। नाउ इन्वेस्टर्स और कंपनीज दैट हैव एसेट्स और बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स आर एक्सपोज टू करेंसी रिस्क दैट मे क्रिएट अनप्रडिक्टेबल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जितने भी इन्वेस्टर्स या कंपनीज होती हैं जिनके एसेट्स या बिजनेस ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वो हमेशा करेंसी रिस्क को एक्सपोज होते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी कंपनी, इवन आप भी अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं या फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप भी एक्सपोज रहेंगे करेंसी रिस्क के। तो कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी इस पर्टिकुलर रिस्क से बचता नहीं है अगर उनके एसेट या फिर बिजनेस ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल के होते हैं और फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं, तो बिल्कुल दे आर बाउंडेड टू फेस करेंसी रिस्क।
और इसकी वजह से जो उनके प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। आपको पता नहीं है कल की डेट में एक्सचेंज रेट में क्या फ्लक्चुएशन आएगा, आने वाले टाइम में क्या फ्लक्चुएशन आएगा, और उन फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, या जो लॉस आपने कन्वर्ट किया है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाए। तो हमेशा फ्लक्चुएशन रहेंगी, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ चलिए, एक और डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। डायग्राम में एक तरफ हमारा यूएस इन्वेस्टर है जिसने यूरो स्टॉक में क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है। अगर एक्सचेंज रेट पॉजिटिवली बढ़ते हैं तो उसके जो यूरो एसेट हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर ग्रोथ होती है एक्सचेंज रेट में, यानी कि जो यूरो करेंसी है वो अगर इंक्रीज होती है बेसिकली, यानी कि यूएस डॉलर में एक्सचेंज रेट में आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो यूरो एसेट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो ये जो उसके यूरो एसेट हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट वर्क्स। अगर फ्लक्चुएशन पॉजिटिव है तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, फ्लक्चुएशन नेगेटिव है तो आपके एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब भी आपको इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा के साथ साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा आपका। ओके अब नाउ चलिए, इस पे एक और हमारा डायग्राम आ चुका है ऊपर, सो देख लीजिए। अगर ये जो इन्वेस्टर है हमारे यूएस के, ये 10,000 डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं यूरो स्टॉक में, और बहुत ही करेंसी फ्लक्चुएशन के बाद में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, वो भी नेगेटिव, तो उनका जो प्रॉफिट वो अर्न करने की सोच रहे हैं वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके गेन्स भी, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इस पॉइंट को कंसीडर करें, करेंसी रिस्क को हमेशा आप अपने अटेंशन में रखिए। सो गाइस, नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है स्क्रीन पर, और इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क। तो जानेंगे कितने तरह के करेंसी रिस्क होते हैं। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट, देर आर 5 टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क। तो 5 तरह की करेंसी रिस्क होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। तो सबसे पहला जो रिस्क होता है करेंसी रिस्क में वो आता है ट्रांसलेशन रिस्क। ओके आई रिपीट, फर्स्ट टाइप ऑफ करेंसी रिस्क इज द ट्रांसलेशन रिस्क। द सेकेंड टाइप ऑफ करेंसी रिस्क इज द ट्रांजेक्शन रिस्क। ओके द थर्ड टाइप ऑफ करेंसी रिस्क इज द इकोनॉमिक रिस्क। द फोर्थ टाइप ऑफ करेंसी रिस्क इज पॉलिटिकल रिस्क। ओके एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ करेंसी रिस्क इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो करेंसी रिस्क में बेसिकली 5 तरह के रिस्क इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला ट्रांसलेशन रिस्क, सेकेंड इज द ट्रांजेक्शन रिस्क, थर्ड इज द इकोनॉमिक रिस्क, फोर्थ इज द पॉलिटिकल रिस्क, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके तो इनके नेम्स याद कर लीजिए, इन पर अब मैं आगे फर्दर वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन रिस्क के साथ में, देन विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजेक्शन रिस्क, देन आई कम बैक टू द थर्ड टाइप ऑफ करेंसी रिस्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिस्क, एंड लास्ट वन विल बी द पॉलिटिकल रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क पर क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, बट आई विल ट्राई टू अपडेट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो गाइज, आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स थे आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, एंड किसी भी पॉइंट में डाउट रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एंड जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी सपोर्ट हो पाए, मेरे वर्क से वो भी कुछ बेनिफिट ले पाए अपने एग्जाम्स में। मिशन याद रखिएगा 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम। तो वीडियोस देखते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स।